फ्रेंड्स hey तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टैलिन अभिनीत नाइन्टीटी तो, की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सीक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सीक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिकवल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज़ शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएं हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिक्वल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सिक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलोस्टर स्टैलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चली जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टीटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है यह वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सिक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रियम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आग, आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उसे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैन सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइन्टी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार रिफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाई टेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार हैं लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टैलिन अभिनीता नाइनटीटी की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सिक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सिकवल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सिक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिकल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज़ शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएं हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिकवल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सीक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि परियोजना में व्यस्त हो गए हों। फैन थ्योरी सीक्वल न बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चले जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टिटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वर्षों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकलें हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सीक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आए आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैंस सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहेजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइन्टी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाईटेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पुरुष अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार है लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे hey फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टेलिन अभिनीता तो, 96 की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सीक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सीक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिकवल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएँ हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को, को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिकवल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सिक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलेस्टर स्टेलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुर, गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चली जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सीक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रियम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आ, आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैन सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइनटी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाई टेक राइफल एक विशेष विस्फोटक वीश या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पुरुष अपराधी जिसने अपने आपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार है, लेकिन यह हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टेलिन अभिनेता 96 की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं बना है योजना सीक्वल, हालांकि कोबरा स्पष्ट का नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएं हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सीक्वल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सीक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलेस्टर स्टेलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चले जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टिटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सीक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आग आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैंस सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी -टी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइन्टी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार रिफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाईटेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पूर्व अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार है लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टैलिन अभिनीत नाइन्टीटी की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सीक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सीक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सीक्वल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज़ शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएं हैं है। आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को, को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिक्वल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सिक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलेस्टर स्टेलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चली जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टीटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है यह वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सिक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आ, आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उसे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैन सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइन्टी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार रिफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाई टेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार हैं लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टैलिन अभिनीता नाइनटीटी की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सिक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सिकवल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सिक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिकल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज़ शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएं हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिक्वल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सीक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सेलेस्टर्स टेलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा 2 द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चले जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टिटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वर्षों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकलें हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सीक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आग आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैंस सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहेजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइनटी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाईटेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पुरुष अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंसियों देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार है लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे hey फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टेलिन अभिनीता तो, 96 की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सीक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सीक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिकवल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएँ हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को, को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिकवल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सिक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलेस्टर स्टैलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुर, गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चली जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टीटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रियम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आ, आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैन सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइनटी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाई टेक राइफल एक विशेष विस्फोटक वीश या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पूर्व अपराधी जिसने अपने आपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सोचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार है, लेकिन यह हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टैलिन अभिनीत नाइनटीटी की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सिक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सिक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सिक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिक्वल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज़ शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएँ हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिक्वल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सिक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलोस्टर टेलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सिक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चले जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टिटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सीक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आग आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैंस सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी -टी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत 1980 के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार रिफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाईटेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पूर्व अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार हैं लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोस में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टैलिन अभिनीत नाइन्टीटी की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सीक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सीक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सीक्वल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज़ शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएं हैं है। आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को, को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसे शायद स्टूडियो को सिक्वल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सिक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलेस्टर स्टेलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चली जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टीटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है यह वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सिक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रियम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आ, आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उसे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैन सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइन्टी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाई टेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहां तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही काल्पनिक विचार हैं लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सिकवल नहीं है सिल्वेस्टर स्टैलिन अभिनीता नाइनटीटी की फिल्म कोबरा तो अभी तक तो कोई आधिकारिक सिक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सिकवल हालांकि कोबरा टू नामक सिक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएं हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिकवल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सीक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि परियोजना में व्यस्त हो गए हों। फैन थ्योरी सीक्वल न बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चले जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टिटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वर्षों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकलें हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सीक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आग आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैंस सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहेजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइनटी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाईटेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पुरुष अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंसियर देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार है लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे hey फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टेलिन अभिनीता तो, 96 की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सीक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सीक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिकवल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएँ हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को, को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सीक्वल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सिक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलवेस्टर स्टैलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुर, गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चली जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टीटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रियम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आ, आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैन सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइनटी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाई टेक राइफल एक विशेष विस्फोटक वीश या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पुरुष अपराधी जिसने अपने आपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही काल्पनिक विचार है, लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टेलिन अभिनीत नाइनटीटी की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सिक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सिकवल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सिकवल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिक्वल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज़ शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएँ हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिकवल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सीक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलेस्टर स्टेलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा 2 द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चली जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टिटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सीक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आग आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैंस सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी -टी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत 1980 के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार रिफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाईटेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पुरुष अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार है लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे hey फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टेलिन अभिनीत तो, 96 की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सीक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सीक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिकवल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज़ शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएं हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिक्वल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सीक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलोस्टर स्टैलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चली जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टीटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है यह वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सिक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आ, आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उसे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैंस सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइन्टी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार रिफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाई टेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार हैं लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टैलिन अभिनीता नाइनटीटी की फिल्म कोबरा तो अभी तक तो कोई आधिकारिक सिक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सिकवल हालांकि कोबरा टू मियामी कनेक्शन नामक सीक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएं हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिकवल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सीक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि परियोजना में व्यस्त हो गए हों। फैन थ्योरी सीक्वल न बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चले जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टिटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वर्षों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकलें हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सीक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आग आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैंस सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहेजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता। संगीत नाइनटी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और अस्सी के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाईटेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पुरुष अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार हैं लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टैलिन अभिनीत नाइनटीटी की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सिक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सीक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सीक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिक्वल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज़ शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएं हैं है। आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को, को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिक्वल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सिक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिल्विस्टर स्टैलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है यह निमियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुर, गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चली जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टिटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है यह वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वर्षों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकले हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सिक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आ, आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उसे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैन सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत 1980 के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा 2 में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और अस्सी के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाई टेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पुरुष अपराधी जिसने अपने आपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार है लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे hey फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टैलिन अभिनीत नाइनटीटी की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सीक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सीक्वल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिकवल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएँ हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को, को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिकवल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सिक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलस्टर स्टैलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुर, गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चली जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या, या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टीटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टीटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वर्षों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकलें हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सीक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रियम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आ, आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उसे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैंस सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टीटी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत नाइनटी के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटार गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और 80 के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाई टेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही काल्पनिक विचार है, लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें हे फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कोबरा टू मूवी के बारे में तो फ्रेंड्स कोबरा टू तो फ्रेंड्स कोई आधिकारिक सीक्वल नहीं है सिल्वेस्टर स्टेलिन अभिनीता नाइन्टीटी सिक्स की फिल्म कोबरा का अभी तक तो कोई आधिकारिक सिक्वल नहीं बना है योजनाबद्ध सिक्वल हालांकि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन नामक सिकवल बनाने की योजना थी रद्द होने का कारण सिक्वल रद्द होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है लेकिन संभावना है कि इसमें कई चीज शामिल रही होगी ये कुछ संभावनाएँ हैं आलोचकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मूल कोबरा को आलोचकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जिसने शायद स्टूडियो को सिक्वल बनाने के लिए हतोत्साहित किया हो अभिनेता की बदलती रुचि जब सीक्वल को गंभीरता से विचार किया जा रहा था तब तक हो सकता है कि सिलेस्टर स्टेलिन अन्य परियोजना में व्यस्त हो गए हों फैन थ्योरी सीक्वल ना बनाने के कारण फैंस के बीच इस बात को लेकर सिद्धांत बन गए हैं कि कोबरा टू द मियामी कनेक्शन की कहानी कैसी हो सकती थी कुछ लोगों का कहना है कि यह मियामी में एक नए विलन या किसी बड़े अपराधी संगठन से लड़ते हुए मारिया कोबरा टीटी को दिखा सकता था मूल फिल्म की विरासत सीक्वल ना होने के बावजूद कोबरा एक कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी मौजूद है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कुछ और रोचक जानकारियाँ तो फ्रेंड्स कैमियो की संभावना कुछ फैंस का मानना है कि अगर कोबरा टू बनती तो शायद मूल फिल्म की कोई सहायक कलाकार जैसे कि कोबरा टीटी की पुलिस पुलिस पार्टनर या अपराध सम्राट सम्राट का गुग्रा छोटी भूमिका में वापस करती वापसी करती अफवाहों में खलनायक कुछ अफवाहों में बताया गया है कि सीक्वल का खलनायक कोई अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर या एक शक्तिशाली माफिया डॉन हो सकता था या कोबरा टीटी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता स्थान बदलना शायद कोबरा टू की कहानी मियामी से बाहर किसी नए स्थान पर चले जाती जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कोई मादक पार्थों की तस्करी या का अड्डा या यूरोपी में हथियारों का काला बाजार कोबरा टिटी का विकास अगर सीक्वल बनती तो शायद यह दिखाती कि कुछ समय बीत चुका है और कोबरा टिटी पुलिस बल में अपनी जिम्मेदारियों के साथ संघर्ष कर रहा है या वह शायद अधिक भी बन गया हो सकता है जिससे उसके वरिष्ठों के साथ टकराव हो सकते हैं तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ अटकलें हैं लेकिन ये हमें हमें इस बात की कल्पना करने में मदद करता है कि कोबरा टू कैसे फिल्म हो सकती थी भले ही सीक्वल ना बनी हो लेकिन मूल कोबरा फिल्म एक्शन सिनेमा प्रेम प्रेमियों के बीच अपनी जगह बना चुकी है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कोबरा टू के बारे में आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स आपने जो कुछ सुना उससे आए आगे भी कुछ दिलचस्प बातें हैं तो उसे भी मैं आपको बताता हूँ तो फ्रेंड्स कहानी की संभावित मोड़ कुछ फैंस सोचते हैं कि कोबरा टू में कहानी एक दिलचस्प मोड़ या यह हो सकता था कि कोबरा टी टी किसी गुप्त सरकारी एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर देता यह उसकी पुलिस की नौकरी से बहुत अलग दुनिया होती और उसके अधिक गंभीर अपराधों से लड़ने का मौका मिलता फिल्म का लहजा फिल्म का लहजा असल को कोबरा फिल्म में कुछ हास और एक मस्ती भरा अंदाज भी था कुछ फैंस मानते हैं कि सीक्वल इस तरह का मनोरंजक अंदाज बरकरार रखते हुए भी कहानी को थोड़ा अधिक गंभीर बना दिया जाता संगीत 1980 के दशक की एक्शन फिल्मों की तरह कोबरा टू में भी शायद इलेक्ट्रिक संगीत और गिटारीफ आधारित धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर होता विरासत कायम रहना भले ही सीक्वल ना बन पाए कोबरा आज भी अपने तेज रफ्तार एक्शन सिल्वेस्टर स्टेलिंग के स्टाइलिश अभिनय और अस्सी के दशक की वशिष्ठ सिनेमाई अंदाज के लिए याद की जाती है तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोबरा टू के बारे में कल्पना को और हवा देते हैं तो फ्रेंड्स और भी कुछ असल विचार जानते हैं तो फ्रेंड्स कोबरा टीटी का नया हथियार अफवाहों में है कि सीक्वल में कोबरा टीटी को एक अत्याधुनिक हथियार मिल सकता था जो उसे अपराधियों में एकदम आगे रहने में मदद करता यह कोई हाईटेक राइफल एक विशेष विस्फोटक या यहाँ तक कि कोई छुपा हुआ हथियार भी हो सकता था अतीत के भूत कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म में कोबरा टीटी के अतीत का कोई भूत वापस आ सकता था शायद कोई ऐसा दुश्मन जिसे वह हरा सक चुका था लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था यह कोबरा टीटी को अपने अतीत से निपटने और अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर कर सकता था आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक सहयोगी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यह हो सकता था कि कोबरा टीटी को किसी अनपेक्षित सहयोगी का साथ मिल जाता जैसे कि कोई पुरुष अपराधी जिसने अपने अपराधिक जीवन को त्याग दिया हो या अपराधियों की दुनिया के बारे में अंदरूनी सूचना प्रदान कर सकता था और कोबरा टीटी को एक नया दृष्टिकोण दे सकता था संदर्भ और श्रद्धांजलि कुछ फैंस यह देखना पसंद करते हैं कि सीक्वल में मूल फिल्म के लिए कुछ सूक्ष्म संदर्भ और श्रद्धांजलि शामिल की जाती यह पुराने फैंस के लिए एक मनोरंजक आश्चर्य हो सकता था तो फ्रेंड्स ये सिर्फ कुछ ही कल काल्पनिक विचार है लेकिन ये हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कोबरा टू कितनी रोमांचक फिल्म हो सकती थी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियोज़ में बने रहें और आप हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहें